morning to all. My name is Sona Mahi. I am from Mechanical 4th SEM. Good afternoon, everyone. Myself, Dipendra Kumar Sahu. I am from Mechanical Engineering Branch, 4th SEM. Hello, everyone. My name is Om Kumar Yadav. I am a student of Mechanical Engineering Branch, 4th SEM at JSGPT, Jagdalpur. आज हम कॉलम टेस्टिंग मशीन करने वाले हैं जिसमें कॉलम का फ्रैक्चर स्ट्रेंथ और मशीन के पार्ट्स के लिए थैंक यू मैडम बताने के लिए. अब हम जानेंगे मशीन के कॉलम टेस्टिंग मशीन के पार्ट कौन कौन से पार्ट्स हैं. तो सबसे पहले है हमारे पास हाइड्रोलिक जैक जिससे हमें कॉलम को फिक्स करेंगे घुमा के. ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास है हेड ऑफ द टेस्टिंग मशीन एंड ये है हम लोग का कॉलम और नीचे है बेड और ये रोलर दिख रहा है. ये है स्टील रॉड, इसमें ये पूरा फिक्स होता है और यहाँ पर हम लगाएंगे बेसिन में. और इसमें सबसे पहले है ओपन एंड क्लोज वेल्व, इसके सहायता से हम लोग इसको फिक्स करते हैं हम लोग का रोलिंग जैक को. और यहाँ पर आइए और ये जो फ्रंट है हम लोग का यहाँ पर दिखेगा स्विच ऑफ स्विच ऑन का स्विच एंड ये है इमरजेंसी स्टॉप और ये है हम लोग का पेस रेट कंट्रोलर जिसके हिसाब से हम लोग प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं. और यहाँ पर से हम लोग का जो डिस्प्ले ये टच स्क्रीन डिस्प्ले है. अब हम लोग का प्रोसीजर जो है वो बताएंगे. ठीक है, हमारा स्पेसिमेन है कंक्रीट कॉलम जिसका लिए 750 mm डेप्थ है, 150 mm विड्थ है, 150 mm. पहले हम इसको स्टील रॉड के बीच में रखेंगे, दोनों स्टील रॉड के बीच में. ये स्टील रॉड है, ये भी स्टील रॉड, इसमें पॉइंट होल लगेगा, 4 पॉइंट होल लगेगा. पहले हम इसको हाइड्रोलिक जैक की सहायता से इसको फिक्स कर लेंगे. क्लॉक वाइज ये फिक्स होता है. इसको हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे. पहले पावर सप्लाई ऑन करेंगे. ये मशीन का बेसिन है, इसमें मेन स्विच है, ऑन करेंगे इसको. फ्लेक्चर पे क्लिक करेंगे, फिर अगर इसमें रीडिंग होगा तो इसको रीसेट करेंगे पहले, फिर स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. फिर हमारा लोड लग रहा है. A few minutes later. सब पीक लोड है 36. इतने लोड लगने पे उसमें क्रैक आना स्टार्ट हुआ था. तो पीक लोड तो हम इसका मेजर करेंगे, सपोर्ट इसका जहाँ तक टूटा है वहाँ तक का मेजर करेंगे. वहीं पे लोड 200 mm से कम, ये मतलब जहाँ सपोर्ट लग रहा है और जहाँ स्क्रैप हुआ उसके बीच का डिस्टेंस. और एक सपोर्ट है, वन मोर थिंग, यस सर, जो ए है ना, ये दो सपोर्ट है, ठीक है. तो जो क्रैक हुआ जरूरी है सेंटर पे हो, मान लो अगर सेंटर में नहीं हुआ तो जो क्रैक है कौन से सपोर्ट से ज़्यादा नजदीक है, तो नियरेस्ट का वाला डिस्टेंस होता है, ध्यान रखना. क्लियर ना. सेकेंड फार्मूला 3PA/BD2 जब ए 200 mm से ज़्यादा कम हो, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो ए का मतलब डिस्टेंस है ए वो 200 mm से कम है. ये है हमारा 130 mm. फार्मूला ये मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर का 3PA/BD2 36 × 10⁻³
कौन 0.15 मीटर विड्थ है, ये हो गया इसका डेप्थ, डेप्थ है 0.15 स्क्वायर। मॉडल का फ्रैक्चर निकालेंगे हम लोग 4.16 मेगा पास्कल, ये हमारा मॉडल का फ्रैक्चर है। रेगुलर स्ट्रेन या फिर फ्रैक्चर स्ट्रेन। ओके।